मैं वहां मिल गया हम बहुत ही काम देखा शुक्र का आपको मेरे काम देखा है मैं सबसे पहले तो अपना सारे भरसा को इसका सास और आम इसके हाथ उसको खूबसूरत गुलदस्ते के और सजाने पर अभी के कल से मेरे माध्यम तरजीब पेश करता हूँ और यकीनी तौर पर मैं कश्मीरी होने की हैसियत से इसका एतराफ भी करता हूँ कि हमारी मजहबी सियासी जमातें जिनका जमात इस्लामी जमीयत उलमाए इस्लाम उन्होंने कश्मीर काज के लिए वक्तन फवक्तन सदा बुलंद की इकतजादात किए इज्तिमाआत किए और कौम की बेदारी का जरिया बने इस पर मैं कलिमात तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर कश्मीरियों ने अपनी इस तहरीक के लिए क्या कुर्बानियाँ दी आप सारे दाना और बीना लोग हैं उसका तस्करा नहीं करूँगा। सवाल यह है कि हमने क्या किया बहसियत पाकिस्तानी और कश्मीरी यहाँ की जो दीनी जमातें थी यहाँ के जो सियासी जुड़ा थे यहाँ के जो आवाम थे उन्होंने आवामी इस्तेमाल करके इहतजाजात को मुरतब करके कश्मीरियों के साथ इदारे यकजहती जरूर किया लेकिन अब जो सूरत हाल है वो सिर्फ इहतजाजात की हद तक नहीं है बात इससे आगे बढ़ चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर बसत एहतराम जिक्र करूँगा कि हमारे हुक्मरान तबके ने क्या किया जो बुनियादी तौर पर हमारे इस तजिए का वकील भी था और बुनियादी तौर पर हमारे इस तजिए को पूरी दुनिया में पेश भी करना था। उन्होंने क्या किया हमारी खारजा पॉलिसी कैसी रही एक साल के लॉकडाउन पूरा होने को है हम उस लॉकडाउन को पूरी दुनिया में ये साबित नहीं कर सके कि इंडिया जुल्म और जबर कर रहा है और उस जुल्म और जबर की तरफ आलमी जमीर को हम जजोड़ नहीं सके ये यकीनी तौर पर हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। कश्मीरियों के साथ हमारी हुकूमतों की तरफ से आप जरा देखिए कि हम कितना तदरीजन लोग तहरीक में आगे बढ़ते हैं और हम तदरीजन कितना पीछे आए हैं। सबसे पहले तो दिनों पर शटरडाउन होता था हड़तालें होती थी कश्मीरियों के साथ इजारे यकजहती होता था अब हम बढ़ते बढ़ते आधे घंटे पे आ गए हैं कि आधे घंटे का एहतजाज हम कश्मीरी के लिए करेंगे और बकौल शख्स कहकर आधे घंटे में बिना मांग के मुकम्मल खामोश हो जाएंगे। अब इससे भी आगे बढ़े तो फिर एक तरफ तो ये था कि आज उस जुल्म और जोर के खिलाफ हमारी अफवाह मुतारक हो जाती हमारे काफिले चलना शुरू हो जाते ट्रुप सरहदों की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते पता चलता कि एक आर्मी कुवत है एक बड़ी कुवत है एक एटमी कुवत है जो कश्मीरी की मदद के लिए पहुंची है। लेकिन बकौल शख्स यहाँ भी कहना पड़ेगा कि तबले जब बजाते बजाते तबले पे आगे रुकते इसी से कश्मीर को हम आजाद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं और श्रीनगर फतह करने के बजाय हमने वो तो नहीं हो सका हमने ये किया कि कश्मीर हाईवे को श्रीनगर बनाकर इसी के ऊपर इत्तेफाक कर दिया। मैं आज इस इज्तिमा से तजवीजें सब देते हैं मैं हाथ जोड़कर एक कश्मीरी होने के नाते से चंद बातें जरूर कहूंगा खुदा का वास्ता लेकर कहूंगा कि अगर अगर हम कश्मीरी के दुखों का मुदावा नहीं कर सकते हम कश्मीरी के जख्मों का तदारुक नहीं कर सकते उस पर मरहम नहीं रख सकते तो खुदा का वास्ता देकर हम ये कहते हैं कि उसके जख्मों पर भी तोरण करें ना। हम अगर कश्मीर की मासूम बेटी की इज्जत का दिफा नहीं कर सकते तो कम अज कम इस पे हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए कि हम उसे झूठी प्रसन्नियत बना दे हम उसे बता दें
नहीं तुम्हारी मदद कर सकते, तुम अपनी मदद खुद के तार आधा की हासिल कर सकते हो तो करो, हमारे लिए मजबूरियां हैं, हमारे लिए फला है। ये क्यों हम कश्मीरी को इस तरह उसको तसलियां देकर उसकी जिंदगी को अजीर्ण बनाया हुआ है, क्यों हम उसको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं? आज कश्मीरी के खून, मासूम खून को अगर हम तौकीर नहीं दे सकते, उसकी इज्जत और एहतराम नहीं दे सकते, तो खुदा का वास्ता है उस कश्मीरी के उस मासूम खून का मजाक न उड़ाया जाए। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि कश्मीरियों के खून के साथ मजाक ये नाकाबिले मंजूर होगा, कश्मीरी के लिए किसी तरह कबूल नहीं होगा, कश्मीरी जान दे देगा, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी आजादी, अपनी हुर्मत पर कभी सोहरा नहीं करेगा इंशाल्लाह। मेरी दरख्वास्त होगी कि आज इसी इज्तिमा के तवस्सुल से जानदार मौकिफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने आज इज्तिमा करके कायदे मिल्लत मौलाना फजल रहमान ने कल पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हर जगह पर इज्तिमा और योम सियाह बनाकर ये एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दीनी अकदार और दीनी कुव्वतें रखने वाली जमातें हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं। मेरी दरख्वास्त होगी आपसे कि इस पे एक बड़ी सतह की एक कॉन्फ्रेंस करके हम एक मौके सामने रखें, इसलिए कि किसी का भी एक किसी की भी दूसरी राय नहीं है कि हर शख्स आजादी कश्मीर की बात कर रहा है, लेकिन बात कर रहा है तसव्वुरात से, ख्वाबों से आजादी नहीं मिला करती, तरानों से आजादी नहीं मिला करती, किसी तरह की करारदादों से आजादी नहीं मिला करती, आजादी तो जोरे बाजू से मिला करती है और ये जोरे बाजू हमें आसमान होगा, आज नहीं तो कल, यही इसका हल है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, पाकिस्तान को सुखाती जो है वो हमें कोशिश आगे बढ़ाने के लिए आज के इस जो हमारा ऐलानिया है उसमें भी ये बात चली जाए, आजाद हुकूमत के किरदार को ज्यादा मुअसर बनाया जाए ताकि वो इस तजिए को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। ये मेरी जनाब इसी बात